हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान मिल्क केक की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक आम से बनाकर रेडी करेंगे। तो हम आम को छील लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ दो से तीन चीजों में बनकर रेडी हो जाती है और इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। अब हमने आम को अच्छे से छील लिया है। हमें आम को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है। तो हमने आम को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक आम का यूज किया है। हमने आम को कट कर लिया है, तो ये एक बाउल है। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम ग्राइंडिंग जार में आम को डाल देंगे। तो हमें इस कटे हुए आम को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने आम को अच्छे से पीस लिया है। हमारे आम की प्यूरी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छे से फाइन पीस लिया है। पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। इस तरह से हमें फाइन पीस लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम यहाँ लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम एक चम्मच पानी डाल देंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो दूध है वो तले में ना चिपके। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो हम यहाँ आधा लीटर दूध का यूज कर रहे हैं। आपके घर में जो भी दूध आता है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है। हमने यहाँ फुल फैट क्रीम दूध लिया है। हो सके तो आप यहाँ पर गाढ़ा दूध का यूज करें। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और दूध में एक बॉईल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है, हम इसे चलाते हुए दो उबाल आने देंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। हल्का सा हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो हमें इसे थोड़ा सा चलाते हुए पका लेना है। हमारे दूध में एक उबाल आ गया है, हम इसी तरह से चलाते हुए दो उबाल आने देंगे। इस तरह से जो दूध साइड में लग रहा है उसे भी हम इस तरह से निकालते हुए दूध में मिला लेंगे, इससे दूध हमारा गाढ़ा होगा। तो हम इसमें एक उबाल और आने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे दूध में एक बॉइल आ गया है। अब हमारे दूध में दूसरा भी उबाल आ गया है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे और जो पल्प हमने रेडी किया है उसे दूध में डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से विस्कर लेकर इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि दूध फटने लगेगा। तो हमें यहाँ पर कोई पनीर या सिरका वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही कम चीजों के साथ ये रेसिपी बनाकर रेडी कर रहे हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छे दाने पड़ने लगेंगे जो बिल्कुल कलाकंद जैसे नजर आएंगे। हमने इसमें आम की प्यूरी ऐड की है, तो हमारा जो टेक्सचर है वो बिल्कुल दानेदार हो गया है, बिल्कुल जैसा कलाकंद जैसा नजर आने लगा है। तो हम इसी तरह से इसे चलाते हुए दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। हमारा जो दूध है वो इस तरह से दानेदार नजर आने लगा है। तो हम इसे इसी तरह से चलाते हुए दो से तीन मिनट तक पकाएंगे। हमें अभी इसे चलाना बंद नहीं करना है, चलाते हुए ही पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अब हम ये जो आम वाला दूध रेडी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा पनीर नजर आने लगा है। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हम यहाँ 1/4 कप चीनी डालेंगे। अगर आप नॉर्मल चम्मच से चीनी डालेंगे तो 4 से 5 चम्मच चीनी डालें। अगर आम ज्यादा मीठा है तो 4 चम्मच डालें और थोड़ा खट्टा है तो आप 5 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे ढककर रख सकते हैं, लेकिन फ्लेम को लो कर लें और बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। तो हम इसे मीडियम फ्लेम में इस तरह से हलाते हुए पकाएंगे। तो थोड़ी ही देर में हमारी जो मिठाई है वो बनकर रेडी हो जाएंगी और जो हमने चीनी डाली है तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसी तरह से इसे चलाते हुए और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इसे हमें कुछ देर तक और पकाना है, इसका थोड़ा सा और ज्यादा टेस्ट बढ़ जाए। इसके लिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे। हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर मावा, नारियल का बुरादा या काजू भी पीस कर डाल सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी का भी यूज कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर घी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि हम इस मिठाई को नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो एक चम्मच घी जरूर डालें, जिससे कि आपकी जो मिठाई है कढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो अब हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। हमें सारा मिल्क पाउडर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब जो मिल्क पाउडर था वो मिठाई में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम इसमें दूसरा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। मिल्क पाउडर किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे बिल्कुल डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो जो छोटे पाउच आते हैं वो भी यहाँ पर मिल्क पाउडर के यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चौथा चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। बस हमें इससे ज्यादा नहीं डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर फूड कलर डाला है, जिससे कि हमारा जो मिल्क केक है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में बने। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक पिंच डालना है। अभी हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है। तो अब हमारी जो मिठाई है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मिठाई रेडी की है वो अच्छे से पैन को छोड़ने लगी है, तो बस इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। इस तरह से हमें हलाते हुए इसे पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये इस तरह से पैन छोड़ने ना लगे। हमने इसमें थोड़े से पिस्ता भी डाले हैं, आप चाहे तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ता हम इसमें बाद में डालेंगे। तो अब हमारा जो बैटर है वो अच्छे से पक गया है, तब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। इस तरह से ये पैन को छोड़ने लगा है, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हमने यहाँ एक प्लेट में बटर पेपर लगा लिया है और उसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। थोड़े से हमने इसमें पिस्ता डाल दिए हैं। अब हम जो मिठाई का बैटर है उसे डाल देंगे और थोड़ा सा स्पैचुला से अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। इसे हम किचन प्लेटफॉर्म में सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे आधा या एक घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है, ये बिल्कुल भी हाथ को नहीं चिपक रही है और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब जो बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है। इसे हम एक नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। तो इसे हम पिज्जा शेप में कट करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मिठाई है, आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। इसे बनाने के लिए हमने सिर्फ एक आम का यूज किया है और बहुत ही कम चीजों के साथ हमने ये मिठाई बनाकर रेडी की है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।